वीडियो को एडिट करने के लिए आप YouTube पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको अपने चैनल के YouTube स्टूडियो पे आना है। तो जब आप YouTube स्टूडियो पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे या आपको यहाँ पे डैशबोर्ड नज़र आएगा अपने चैनल का। तो इसी डैशबोर्ड में देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है। तो जब आप कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके चैनल पे जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो अब आपको यहाँ पे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे इस वीडियो को एडिट करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब आप क्लिक करेंगे उस वीडियो पे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करना है। जब आप एडिटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एडिटर का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो में आप क्या क्या एडिट करते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। नीचे हमारा ये टाइमलाइन एरिया है जहाँ पे हम एडिट करेंगे और ये हमारा एक प्रीव्यू एरिया है, जो भी हम चेंजेस करेंगे उसका प्रीव्यू हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो हम वीडियो में क्या क्या एडिट कर सकते हैं, ट्रिम कट कर सकते हैं, किसी पोर्शन को हम ब्लर कर सकते हैं, ऑडियो ऐड करा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, एंड स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही इन्फो कार्ड चेंज कर सकते हैं, या हम ऐड ब्रेक्स को भी यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं। या तो ये हमारे जो टाइमलाइन है यहाँ पे भी ये सारी चीजें डिवाइड हो रखी हैं। ऊपर आप देख पा रहे होंगे ऐड ब्रेक है जो डॉलर का साइन है, नीचे उसके एंड स्क्रीन है, इसके नीचे कार्ड, फिर ऑडियो, सबसे नीचे वीडियो है। अब ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया इस पेज का। अब आइए समझते हैं कि अगर हमको किसी पोर्शन को बीच से कट करना है तो वो कैसे करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे इस वीडियो में प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसमें ना दो बार एक लाइन को बोला हुआ है, तो मुझे एक पोर्शन कट करना है। तो कट करने से पहले आपको मैं एक टिप दे देता हूँ कि आप प्ले करके उसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए कि हमको कहाँ से कहाँ तक कट करना है। इससे होगा क्या कि जो भी आप कट करेंगे वो पूरा एक्यूरेसी के साथ कट होगा। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है कट करने के लिए, कि आप ये कर्सर देख रहे होंगे और उसके ऊपर एक टाइम चल रहा है, जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये हमको वीडियो की टाइमिंग बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है फ्रेम्स की, कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपका ये कर्सर है। तो अब हमको बीच से पोर्शन कट करना है, तो अभी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रिम एंड कट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको पर्टिकुलर पोर्शन को कट करना है। उसके बाद न्यू कट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कट वन लिखा आ जाएगा और यहाँ पे दो विंडो आएंगी जिसमें टाइमिंग आप डाल के बताएंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड पॉइंट कौन सा है। और जब आप राइट पे क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा। अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं या ये इसको आप हटाना चाहते हैं कट वन को, तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको टिप दी थी ना कि आप टाइम नोट कर लीजिए, तो वो यहाँ पे काम आने वाली है। आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हैं या फिर आप कर्सर की पोजीशन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से ड्रैग करके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप आ सकते हैं, आपको यहाँ पे वो टाइम बताता रहेगा, जैसे कि 3:33 में मुझे आना है तो मैं ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाऊंगा। और रही बात माइक्रो सेकंड की, तो वो यहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हैं 5 माइक्रो सेकंड। उसके बाद आपको एंड पॉइंट बताना है, तो आप इस वाले कर्सर को ड्रैग कीजिए और ड्रैग करके आप ले आइए 47 5 माइक्रो सेकंड, और इसमें बेसिकली 2 है, मैंने गलती से यहाँ पे 5 डाल दिया, 2 है। तो ये हमने टाइमलाइन यहाँ पे सेट कर ली। तो अभी यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, तो हमको क्योंकि कट करना ही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट वाले साइन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे होंगे ये सेलेक्ट होके आ गया, और यहाँ पे आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा एडिट का, दूसरा डिलीट का। और ऊपर ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिस्कार्ड चेंज का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप इसको डिस्कार्ड चेंजेस कर दीजिए, तो ये जो एक्शन है ये अंडू हो जाएगा, या फिर आप सेव कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपने सही कट करा है। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही है कि मैंने सही कट मारा है। तो जैसे ही मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन आ गई है कि सेव चेंजेस। वो कह रहा है कि अगर आपने जो चेंजेस किए हैं इसको अप्लाई होने में कुछ समय लगेगा, जो व्यूवर्स हैं वो करंट वर्जन ही अभी देख पाएंगे जब तक इसमें चेंजेस नहीं हो पाएगा, और इसमें आप इस दौरान कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सेकंड पॉइंट में लिखा है। और तीसरे पॉइंट में लिखा है कि अगर आप ओरिजिनल वर्जन वीडियो का रखना चाहते हैं तो आप अनडू कर सकते हैं। तो क्योंकि हमको कट करना है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से प्रोसेस होगी, और एक नीचे मैसेज भी आ जाएगा, वीडियो इज बिगिन प्रोसेस, प्लीज चेक बैक लेटर।
तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो इस विंडो को बंद भी कर सकते हैं और या फिर आप वेट कर सकते हैं। तो गाइस आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्नो चैटों को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।